पराली की वजह से दिल्ली एनसीआर में बने दम घोटू माहौल से राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश सुनाया है। शीर्ष अदालत ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के छोटे व मझोले धान किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहित राशि देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकारों को 7 दिनों के भीतर किसानों को राशि देने के लिए कहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी या फिर राज्य सरकार, यह फैसला बाद में लिया जाएगा। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें फंड की कमी का बहाना बनाकर इससे बच नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को पराली के सही ढंग से निस्तारण के लिए मशीनें खरीदने को कहा है ताकि छोटे और मझोले किसान इसका इस्तेमाल कर सकें। किसानों के उपयोग के लिए इसका परिचालन खर्च भी सरकार को ही वहन करना होगा। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने किसानों के चालान काटने पर भी आपत्ति जताई। पीठ ने कहा, आप गरीब किसानों को सजा देना चाहते हैं। किसानों को सजा देना कोई समाधान नहीं है। पूरा पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम पूरी मशीनरी को बदलने जा रहे हैं। कोर्ट के समक्ष दलील दी गई तो 2 लाख किसानों को पराली जलाने से रोकना संभव नहीं है, मगर अदालत ने इसे खारिज कर दिया और कहा, अगर पराली जलाना एकमात्र रास्ता है तो अब इसे बंद कर देना होगा। पराली जलाने को रोकना होगा, अगर हम इसे नहीं रोकते तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप लोगों को प्रदूषण में मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या आप इस देश को 100 साल पीछे ले जा रहे हैं? अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर तुरंत कार्रवाई करने तक की चेतावनी दे डाली।